गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज लेसन 5 ऑफ SS, लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो हमारे मैदान है, उत्तरी मैदान, वहाँ पे लोग कैसा जीवन जीते हैं। लेट अस नो मोर अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस रीजन। अब हम और ज्यादा जानेंगे कि यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है। पंजाब, पंजाब लाइज इन द सतलुज बेसिन, इट शेयर्स इट्स कैपिटल चंडीगढ़ विद हरियाणा। पंजाब सतलुज बेसिन में है और यह चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है, जो कि हरियाणा की भी कैपिटल है, यानी कि पंजाब ने अपनी कैपिटल हरियाणा से भी शेयर की हुई है। रिवर्स एंड सॉइल, यानी कि यहाँ की नदियाँ और मिट्टी। द मेन रिवर्स फ्लोइंग थ्रू पंजाब आर सतलुज, रावी एंड बीच। मेन रिवर जो है पंजाब से कौन कौन सी रिवर बहती हैं? सतलुज, रावी एंड बीच। द सोइल ऑफ द स्टेट इज वेरी फर्टाइल एंड इरीगेशन इज डन मेनली थ्रू कैनल्स। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, इसलिए सिंचाई यहाँ पे किसके थ्रू होती है? कैनल्स, नहरों के थ्रू। ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब इज फार्मिंग। पंजाब के लोगों का मुख्य काम क्या है? फार्मिंग, खेती करना। क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर वीट, ग्राम, शुगर केन एंड कॉटन। कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं यहाँ पे? गेहूं, चना, गन्ना और रुई। इंडस्ट्रीज, पंजाब ऑल्सो हैज मैनी इंडस्ट्रीज डेट प्रोड्यूस टेक्सटाइल, होजरी, साइकिल्स, स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्विंग मशीन्स। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है पंजाब में, जैसे कि कपड़ा बनाने की, साइकिल और खेल का सामान बनाने की और सिलाई मशीन बनाने की। टूरिस्ट प्लेस, पर्यटक स्थल। द इम्पोर्टेंट प्लेसेज ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन द स्टेट आर द गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग, लक्ष्मी नारायण मंदिर एंड शीश महल। कौन कौन से इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है इस स्टेट में? गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग, लक्ष्मी नारायण मंदिर और शीश महल। ड्रेसेस, पंजाब की ड्रेसेस। द पीपल ऑफ पंजाब वियर कलरफुल क्लोथ्स। द वुमेन वियर सलवार, कुर्ता, कमीज एंड दुपट्टा, वाइल मैन वियर कुर्ता विद लुंगी और पैजामा एंड टर्बन, पगड़ी। जो पंजाब के लोग हैं वो रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। यहाँ की लेडीज सलवार, कुर्ता, कमीज और दुपट्टा पहनती हैं, जबकि जो मैंस होते हैं वो कुर्ता, लुंगी या पैजामा के साथ और सर पर पगड़ी बांधते हैं। फूड, मक्के की रोटी, सरसों का साग एंड लस्सी आर सम ऑफ द स्पेशल फूड आइटम ऑफ द स्टेट। यहाँ पंजाब का जो मुख्य भोजन है वो मक्के की रोटी, सरसों का साग और लस्सी यहाँ का फेमस फूड है। डांस एंड म्यूजिक, द पीपल ऑफ पंजाब आर फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक। बहुत ज्यादा शौकीन है पंजाब के लोग नाच और गाने के। भांगड़ा इज द पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ मैन, वाइल गिद्दा इज द डांस फॉर्म ऑफ वुमेन। भांगड़ा यहाँ की मैन का पॉपुलर फोक डांस है और गिद्दा यहाँ की लेडीज का पॉपुलर फोक डांस है। हरियाणा, हरियाणा लाइज इन द सतलुज बेसिन। हरियाणा भी सतलुज रिवर बेसिन में आता है। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पंजाब अपनी कैपिटल चंडीगढ़ हरियाणा से शेयर करता है, तो चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा ऑल्सो। ऑक्यूपेशन, द स्टेट इज फेमस फॉर वास्ट फर्टाइल लैंड्स एंड डायरी फार्म्स। क्या व्यवसाय यहाँ के लोगों का, ये पढ़ेंगे अब हम। ये स्टेट बहुत फेमस है अपने उपजाऊ भूमि के लिए और बड़े बड़े डायरी फार्म्स के लिए। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ हरियाणा आर एग्रीकल्चर एंड डायरी फार्मिंग। यहाँ के लोगों का मुख्य काम क्या है हरियाणा के लोगों का? खेती करना और डायरी फार्मिंग, पशुपालन करना। दिस स्टेट इज नोन फॉर इट्स ब्रीड ऑफ काउज एंड बुफेलोज। इस स्टेट को इनकी काउ और बुफेलो की ब्रीड के थ्रू जाना जाता है। बुफेलोज मेनली है, जिसे मुर्रा भैंस कहा जाता है। हरियाणा की मुर्रा भैंस वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड में फेमस भैंस है। क्रॉप्स, द मेजर फूड क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर वीट, मेज, राइस, पल्सेस, शुगर केन, कॉटन एंड ऑयल सीड्स। कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं? मक्का, गेहूं, चावल, दालें, गन्ना, रुई और तेल देने वाले बीज। इरीगेशन इज डन थ्रू कैनल्स। यहाँ पे भी सिंचाई नहरों के माध्यम से होती है। द मेन कैनल्स आर द वेस्टर्न यमुना कैनल एंड बाखरा कैनल सिस्टम। मेन कैनल जो है, मुख्य नहरें हैं, वो वेस्टर्न यमुना कैनल है और बाखरा कैनल सिस्टम है। इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? फरीदाबाद इन हरियाणा इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज टाउन ऑफ द स्टेट। गुरुग्राम हैज द बिगेस्ट कार फैक्ट्री इन इंडिया, द मारुति उद्योग। अदर इंडस्ट्रीज इंक्लूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल्स, साइकिल्स, ट्रैक्टर्स, टायर्स, शुगर, पेपर, ग्लास एंड ब्रासवेयर।
फरीदाबाद जो है हरियाणा में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल शहर है यहाँ का। गुरुग्राम में सबसे बड़ी कार फैक्ट्री है इंडिया की, मारुति उद्योग, और जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं चाहे वो आईटी वाली हो, टेक्सटाइल हो, साइकिल, ट्रैक्टर्स, वो सभी हरियाणा में हैं। ड्रेसेस, मैन वियर धोती और पायजामा विद कुर्ता, वाइल वुमेन वियर घाघरा कुर्ता विद ओढ़नी। मैन क्या पहनते हैं? धोती पैजामा के साथ कुर्ता, घाघरा कुर्ता और ओढ़नी वुमेन पहनती हैं। टूरिस्ट प्लेस, द इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस ऑफ हरियाणा आर कुरुक्षेत्र, सूरजकुंड, पानीपत, करनाल एंड पिंजोर। कौन कौन से घूमने लायक स्थल हैं हरियाणा में? कुरुक्षेत्र, सूरजकुंड पानीपत, करनाल और पिंजोर। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश लाइज ऑन द गंगा बेसिन। पंजाब और हरियाणा सतलुज बेसिन में था, उत्तर प्रदेश गंगा बेसिन में है। द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज लखनऊ। कैपिटल क्या है उत्तर प्रदेश की? लखनऊ। रिवर्स, बोथ द रिवर्स गंगा एंड यमुना पास थ्रू दिस स्टेट एंड मेक द लैंड वेरी फर्टाइल। गंगा और यमुना दोनों ही इस स्टेट में बहती हैं और इस लैंड को बहुत ज़्यादा फर्टाइल, उपजाऊ बना देती हैं। क्रॉप्स, वीट, राइस, मेज, बार्ले, मिलेट्स, कॉटन, जूट, शुगर केन एंड ऑयल सीड्स आर ग्रोन हेयर। ये सारी फसलें यहाँ पे उगती हैं, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, रुई, पटसन और शुगर केन यानी गन्ना। फ्रूट्स लाइक गुआवाज एंड मैंगोज आर ग्रोन इन उत्तर प्रदेश। अमरूद और मैंगो, आम बहुत ज़्यादा उगते हैं उत्तर प्रदेश में। इंडस्ट्रीज, सम ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द स्टेट इंक्लूड शुगर, टेक्सटाइल, एडिबल ऑयल, इंजीनियरिंग एंड केमिकल्स। द अदर इंडस्ट्रीज इंक्लूड वीविंग, लेदर, सेरामिक्स एंड मेटल वियर। बहुत सारी मेजर इंडस्ट्रीज हैं इस स्टेट में, जैसे कि चीनी बनाने की, कपड़ा बनाने की, खाने योग्य तेल बनाने की, पुर्जे बनाने की, केमिकल बनाने की, कपड़ा बुनने की, लेदर बनाने की और मेटल वेयर्स, मेटल से बर्तन बनाने की, धातु उद्योग जिसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो फेमस फॉर चिकनकारी। चिकनकारी के लिए उत्तर प्रदेश बहुत फेमस है। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ नीडल वर्क, सुई से एक पारंपरिक कढ़ाई करना। ऑफ लखनऊ, लखनऊ का चिकनकारी बहुत फेमस है। ब्रास वेयर ऑफ मुरादाबाद, मुरादाबाद का ब्रास वेयर फेमस है। वेयर, मार्बल वर्क ऑफ आगरा, आगरा का मार्बल वर्क, और वाराणसी की सिल्क की साड़ीज बहुत फेमस है। द मेन इंडस्ट्रियल सिटीज ऑफ द स्टेट इंक्लूड मेरठ, आगरा एंड कानपुर। जो मेन इंडस्ट्रियल सिटीज हैं हरियाणा की, उसकी उत्तर प्रदेश की, मेरठ, आगरा और कानपुर है। टूरिस्ट प्लेस यानी पर्यटक स्थल, द इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन उत्तर प्रदेश आर आगरा, अयोध्या, लखनऊ, मथुरा, वाराणसी एंड इलाहाबाद। इम्पोर्टेंट जो शहर हैं पर्यटकों के घूमने योग्य वो हैं आगरा, अयोध्या, लखनऊ, मथुरा, वाराणसी एंड इलाहाबाद। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, अकबर टॉम्स एट सिकंदरा एंड टेम्पल्स ऑफ मथुरा एंड वाराणसी अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं का मकबरा और मथुरा और वाराणसी के टेम्पल लोग पूरे संसार के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ड्रेसेज, द मैन इन उत्तर प्रदेश जनरली वियर धोती, कुर्ता एंड टर्बन, वाइल वुमेन वियर घाघरा, चोली एंड दुपट्टा। जो मैन होते हैं उत्तर प्रदेश के, वो जनरली धोती कुर्ता पगड़ी के साथ पहनते हैं और वुमेन घाघरा चोली विद दुपट्टे के साथ पहनती हैं। बिहार, बिहार लाइज ऑन द ईस्टर्न गंगा बेसिन, यानी बिहार भी गंगा बेसिन में है। कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना, पटना यहाँ की राजधानी है। ऑक्यूपेशन, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल आर फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग। यहाँ के लोगों का मुख्य काम क्या है? खेती करना और पशुपालन करना। क्रॉप्स, द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन द स्टेट आर पैडी, वीट, मेज, शुगर केन एंड जूट। लीचीज ऑफ मुजफ्फरपुर आर फेमस फॉर ऑल ओवर इंडिया। जो मेन क्रॉप्स हैं यहाँ की वो है चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्का, गेहूँ और पटसन। मुजफ्फरपुर की लीची पूरे इंडिया में फेमस है। इंडस्ट्रीज, बिहार इज फेमस फॉर टसर सिल्क, टसर सिल्क के लिए फेमस है बिहार। द स्टेट ऑल्सो हैज अ नंबर ऑफ कॉटन स्पिनिंग मिल, जूट मिल्स एंड शुगर मिल। इस स्टेट में बहुत सी कॉटन मिल्स, जूट मिल्स और शुगर मिल्स भी हैं। टूरिस्ट प्लेसेज, देयर आर वेरियस प्लेसेज ऑफ इंटरेस्ट इन बिहार। बोधगया इज एन इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर द बुद्धिस्ट। गौतम बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट एट बोधगया। नालंदा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग। द अदर प्लेसेज ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट आर राजगीर एंड पटना।
बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, लेकिन बोध गया जो है वो फेमस है बुद्धिस्ट के लिए भी और हिंदुओं के लिए भी। गौतम बुद्ध को यहीं पे ही बोध गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और नालंदा विश्वविद्यालय संसार का एक प्राचीनतम महाविद्यालय है, जहाँ पे संसार के कोने कोने से छात्र सीखने के लिए आते थे। और राजगीर और पटना भी लोगों के घूमने लायक स्थान है। पटना इज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह, 10th गुरु ऑफ सिक्स, बट जन्म स्थान है पटना गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें गुरु हैं सिखों के। ड्रेसेस धोती और पैजामा एंड कुर्ता आर वॉर्न बाय मैन, वाइल वुमेन वियर साड़ी एंड ब्लाउज। मैन जो है वो धोती या पैजामे के साथ कुर्ता पहनते हैं, वाइल वुमेन जो है साड़ी और ब्लाउज पहनती हैं। थैंक यू बेटा, आई होप यू विल लिसन दिस वीडियो केयरफुली।